Hello friends, today we are going to have a first lecture on estimation and costing. The first unit is introduction to the estimation. So estimation is the fine art of guessing where we have to hit the target. जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, so definition wise अगर देखें, it is a process of calculating the probable cost. Probable cost, इसको मैं underline कर रहा हूँ, probable cost of a product before the start of manufacturing. अभी manufacturing start नहीं हुई है, उससे पहले ही उसको cost को calculate करेंगे, intuitive या कुछ technically उसको idea लगाएंगे कि कितनी cost होगी. एक और definition है, it is the art of finding the cost which is likely to be incurred on manufacturing a product. मैन्युफैक्चरिंग या कोई और तरीका भी हो सकता है. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, क्यों हम करते हैं एस्टिमेशन? एस्टिमेशन तो हर जगह, जहां पे भी हमें कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट करना है, फ्रॉम द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट टू सर्वाइविंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, नया प्रोडक्ट है या फिर हमने कॉम्पिटिशन में पहले बैठे हुए हैं, तो उसके लिए भी सर्वाइव करने के लिए हमें एस्टिमेशन करना पड़ता है. Estimating is necessary to control and regulate your product price. Product की price fix करने के भी काम आता है. Starting में ही हम उसको regulate कर लेते हैं. So देखें हम. So what we have to estimate? क्या estimate करना चाहिए हमें? तो देखा जाए तो is it resources कि हमें क्या क्या जरूरत है? Times, ह्यूमन स्किल और कॉस्ट, क्या उसको हमें करना है? तो वो देखा जाए कि हमें रिसोर्सेज देखने हैं या टाइम कितना लगेगा या ह्यूमन स्किल क्या क्या चाहिए या कॉस्टिंग. तो अब देखा जाए तो हम इसकी बात करते हैं. तो इसके हम फंक्शंस देखें एस्टिमेटिंग के. टू वर्क आउट मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कितना लगेगा, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन वेरियस अलाउंसेस गिवन फॉर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन. मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस अभी तक हम पढ़ते आए हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में. तो अब हमें सारे ऑपरेशंस पर पता चल गए हैं, ड्रिलिंग मिलिंग लेथ के ऑपरेशंस, टर्निंग जितने भी हैं. तो अब उसकी मटेरियल कॉस्ट बनाएंगे, उसके अलाउंसेस कितने उस प्रोसेस के लिए लगाने हैं. देन उसके साथ लेबर कॉस्ट देखनी है, आफ्टर कंसिडरिंग लेबर टाइम कितना लगेगा विद द हेल्प ऑफ प्रिवेलिंग वेज रेट्स. हमें वेज रेट्स मार्केट से पता चल जाएंगे और कितना टाइम लगना उसको मल्टीप्लाई करके लेबर कॉस्ट निकालेंगे. कॉस्ट ऑफ टूलिंग इक्विपमेंट एसेसरीज टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कुछ खरीदना है तो उसकी कॉस्ट. ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड मीन्स जो डायरेक्ट उसमें नहीं आते, लाइक पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, सेलिंग, ये डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते प्रोडक्शन में, लेकिन ओवरहेड में अकाउंट होते हैं. देन फाइनली टू डिटरमिन द सेलिंग प्राइस, कितने में सेल होगा प्रोडक्ट आफ्टर कंसीडरिंग प्रॉफिट टू बी रियलाइज्ड. हम प्रॉफिट आइडिया लगा लेते हैं कि 10% प्रॉफिट लेना है, 15%, उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस फिक्स कर लेते हैं. देन एक और काम होता है, टू परफॉर्म टाइम एंड मोशन स्टडी. कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम टाइम को बचाया जाए, ये हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ा भी है. तो टाइम एंड मोशन स्टडी के थ्रू हम उस टाइम को बचा सकते हैं, कुछ मूवमेंट को बचा सकते हैं, तो वो उसमें हम देखेंगे. हेल्प टू गेट इन टच विद मॉडर्न मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कोई नया टेक्निक यूज कर सकते हैं जिससे कि सस्ता वो पार्ट बन सकता है. नाउ प्रोसीजर फॉर एस्टिमेटिंग, प्रोसीजर क्या है? The MRP or Material Requirement Planning, MRP, Material Requirement Planning Department of Concern works out the requirement and specification of the product material. तो वो क्या करते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं मटीरियल की. देन दे प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, उसके टुकड़े कर देते हैं कि ये इसमें कंपोनेंट लगेंगे. देन They take make or buy decision, make or buy, कि हाँ इस पार्ट को बनाना चाहिए या बाहर से खरीद लेना चाहिए. अगर हमारा बाहर से सस्ता बन रहा है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है. About input requirement, कोई भी उसका पार्ट है. To decide which component can be produced in the concern itself and which should be procured from outside market, बाहर से क्या लिया जाए.
प्लानिंग डिपार्टमेंट अरेंजेस द ड्राइंग्स, डिसाइड द मेथड टू बी यूज्ड एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मशीन्स टू बी यूटिलाइज, वेज रेट्स अलाउड टू द वर्कर इन कंसल्टेशन विद टाइम एंड मोशन स्टडी डिपार्टमेंट एंड वेजेस डिपार्टमेंट। तो ड्रॉइंग्स, उसके साथ मेथड क्या लगेंगे, किस सीक्वेंस में ऑपरेशन होंगे, मशीन कौन कौन सी यूज होंगी, वेज रेट क्या होंगे वर्कर्स के, और अगर कहीं टाइम बचाया जा सकता है तो टाइम एंड मोशन स्टडी होगा। और देन दे डिसाइड द एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश, क्योंकि अगर एक्यूरेसी ज्यादा होगी तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें फाइनल ड्रॉइंग पता है, उसमें कुछ अलाउंसेज ऐड करके उसका मटेरियल का कॉस्ट, उसका हमारे पास मेंसुरेशंस के फार्मूले हैं, ट्राइंगल है, सरफेस है, एरिया है, तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, सिलेंडर का है या क्यूब का है, तो उस तरह से हम करके उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मटेरियल निकालते हैं और मटेरियल की कॉस्ट क्या चल रही है वो निकालते हैं। देन सूटेबल अलाउंसेज लगाते हैं, उसके साथ लेबर कॉस्ट बनाते हैं कि अलाउंसेज ऐड करके लेबर कॉस्ट कितना हो गया, और जब ये सारे मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट ये सारे हो गए, तो उन तीनों को मिला के हमारी प्राइम कॉस्ट बनती है बाय एडिंग ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू डायरेक्ट मटेरियल, वी विल कम बैक टू दिस आल्सो। तो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इन दोनों को मिला के प्राइम कॉस्ट बनती है। देन कैलकुलेट द फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स जैसे कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट, आपने मशीन खरीदी वो 10 साल बाद पुरानी हो जाएगी तो उसकी कॉस्ट भी ऐड करेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है वो भी उसमें, इंश्योरेंस का है, वाटर एंड पावर इनको भी ऐड करते हैं। देन वी विल डिटरमिन द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जैसे कि कोई हमारा लगा हुआ है, कोई बॉस लगा हुआ है जो कि सिर्फ मैनेजमेंट का काम कर रहा है, या फिर सुपरवाइजर है जो सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है कि ये काम ठीक से हो रहा है, तो इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में लिखते हैं। तो कैलकुलेट द पैकिंग एंड डिलीवरी ओवरहेड्स, और फाइनली टोटल कॉस्ट निकलती है, और जब इसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो, और उसके साथ ही डिस्काउंट भी हम कितना देना चाहते हैं वो भी ऐड करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्काउंट मांगते हैं तो नेचुरली उसमें डिस्काउंट भी ऐड करना है। और फाइनली इस एस्टिमेशन का एक काम और होता है कि हम डेट ऑफ डिलीवरी भी फिक्स करते हैं कि कब वो दिया जा सकता है, वो उसमें कंसल्टेशन विद प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट भी होता है। अब दूसरी चीज आ जाती है कॉस्टिंग, सो फर्स्ट वाज एस्टिमेशन, सेकंड इज कॉस्टिंग, ए सिस्टम ऑफ अकाउंट्स विच रिकॉर्ड एवरी एक्सपेंडिचर सिस्टमैटिकली एंड एक्यूरेटली इन ऑर्डर टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट आफ्टर नोइंग वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट After knowing various expenses incurred on the product in various departments, I repeat, एक system of accounts जो कि हर expenditure को systematically record करता है और उससे देखता है कि वो जो कितने खर्चे हर एक department में हुई हैं उस product के ऊपर, एक particular product पे कितने खर्चे होते हैं। तो इसका purpose क्या है, ये दो purpose करता है, एक तो internal reporting, internally report होती है कि हाँ जी इसमें इतना हुआ, इसमें इतना हुआ, जो कि हमारे एस्टिमेट्स के बाहर जा रहा है या अंदर, या फिर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, एक्सटर्नल मीन्स बाहर के लिए, जो कि गवर्नमेंट को हमने बताना है, या प्रॉफिट वगैरह अगर हमारी कंपनी ऐसी है जिसका प्रॉफिट बाहर जाता है तो वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए भी काम आता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में क्या फर्क है। एक तो हमने देख लिया, Estimating is the calculation of cost expected to be incurred. The expected cost of material, labor, overhead are taken before actual production. Production शुरू नहीं हुई है, उससे पहले ही हम देखेंगे. Costing systematically record करता है after the product is manufactured, बन चुका है. Estimating requires high technical knowledge. आप समझ सकते हैं कि estimator जो है basically engineer ही होना चाहिए जो कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन करता है, उसको कैलकुलेशन तो पहले से ही पता है, उसको मटेरियल्स की भी नॉलेज है, प्रोडक्शन की भी नॉलेज है, प्रोसेसेस की भी, मशीन्स की भी, लेकिन कॉस्टिंग के लिए सिर्फ उसको अकाउंट्स की नॉलेज काफी है, तो ये अकाउंटेंट करता है। एस्टिमेटिंग टेक्निकल वर्क है, क्लैरिकल वर्क नहीं है, लेकिन कॉस्टिंग जो है ज्यादातर क्लैरिकल क्लर्क्स के द्वारा किया जाता है। एस्टिमेटिंग किस लिए करते हैं, प्रोबेबल कॉस्ट निकालने के बिफोर स्टार्ट, ये कॉस्टिंग जो है
वो एक्चुअल कॉस्ट निकाली जाती है, सारे एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, फिर कितने प्रोडक्ट्स बने उनसे डिवाइड करके एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है। एस्टिमेटिंग गिव्स एन एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कैलकुलेशन बाय मींस ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूले और एस्टेब्लिश, कुछ रूल्स बने हुए हैं या फॉर्मूले बने हुए हैं उनसे किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया जाना है। एस्टिमेटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेट स्टैंडर्ड्स फॉर कंपैरिजन विद एक्चुअल कॉस्ट। हम एक स्टैंडर्ड बना देते हैं कि इतना खर्चा होना चाहिए। कॉस्टिंग का सिर्फ एक बजट, या फिर कई बार इसको कंपेयर करने के भी काम आता है कि एक्चुअल कॉस्ट कहाँ पे यूज हुई है, विच इन्वॉल्व्स अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मैन मशीन मटेरियल या मनी, कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा मनी यूज हुआ है या एक्स्ट्रा वेस्टेज हुआ है उसको देखने के लिए। एस्टिमेटिंग सेट्स अप मार्केट प्राइस फॉर प्रपोज प्रोडक्ट। लेकिन कॉस्टिंग क्या है? इट फैसिलिटेट्स द बजट प्रिपरेशन एंड प्रोवाइड्स कॉस्ट डेटा फॉर फ्यूचर एस्टिमेट। अगले, अभी तो गलती हो गई, अगले जो एस्टिमेट्स हैं उनके लिए वो एक स्टैंडर्ड बना देता है। लेकिन एस्टिमेटिंग क्या है? इट डिसाइड्स वेदर इट इज इकोनॉमिकल टू बाय और मैन्युफैक्चर। लेकिन कॉस्टिंग क्या है? इट डिसाइड्स आउटपुट टारगेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब एस्टिमेट्स कितनी तरह के होते हैं ये अभी मैं नाम दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या क्या है, वो उनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फैक्टर एस्टिमेटिंग, पैरामीटर एस्टिमेटिंग, इक्विपमेंट फैक्टर एस्टिमेटिंग, लैंग मेथड, हैंड मेथड एंड डिटेल एस्टिमेटिंग। नाउ कुछ डेफिनेशंस इस चैप्टर में दी गई हैं, वो हम एक दो पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विच बिगेंस विद सप्लाइंग मटेरियल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से शुरू होती है? सप्लाई करना मटेरियल, लेबर, सर्विसेज एंड एंड्स विद द प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकेज। फाइनली, फाइनल तो बिल्कुल एक एस्थेटिक लुक देने के लिए होता है, लेकिन प्राइमरी पैकिंग जिसमें कि जैसे फ्रिज हमने करना है तो फ्रिज के साइडों में लकड़ी लगानी या उसके साइड में बुरादा भरना, दैट इज प्राइमरी पैकिंग। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट मीन्स फैक्ट्री के अंदर अंदर जितना खर्चा हुआ है, स्टार्ट सप्लाई मटेरियल से लेकर प्राइमरी पैकिंग तक, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन एन एंटरप्राइज टू कीप इट डायनेमिक एंड कवर्स मनी लैंड बिल्डिंग मशीन इक्विपमेंट मटेरियल एटसेट्रा एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स कि जो स्टार्टिंग की हमें मनी चाहिए, तो इसमें स्टार्टिंग की मनी क्या है? एक तो उसको डायनेमिक मीन्स चलाते रहना, कंपनी को चलाते रहना। ऐसा नहीं है कि आज हमने इन्वेस्ट कर दिया, पता चला कि कल 100 प्रोडक्ट बना के रुक गए, नहीं, उसको चलाते रहना। तो इसमें मनी लैंड बिल्डिंग मशीन इक्विपमेंट मटेरियल और डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स उसके लिए भी जरूरत होता है। देन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स हमने इन्वेस्टमेंट की उसमें से हमें कितना रिटर्न हुआ, दैट इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको हम करेंगे प्रॉफिट, जितना हमें प्रॉफिट मिला है इसमें इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड नहीं काटने हैं, उससे पहले पहले वो सारा प्रॉफिट, दैट मीन्स जो प्योर प्रॉफिट है इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड वगैरह नहीं उसमें देने हैं। तो क्योंकि वो भी इंडिविजुअल्स के पास जाना, तो वो प्रॉफिट जो है एक होता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। तो उसको डिवाइड करेंगे कैपिटल कितना यूज हुआ इनटू 100, तो ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस बैलेंस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। अब इनको हम एक एक करके डिटेल भी पढ़ सकते हैं। इक्विटी शेयर, जो हमारे शेयर मार्केट में हमारे कुछ इक्विटी लगी हुई है, या प्रेफरेंस वाले शेयर्स, दैट मीन्स मालिकों के जो ओनर्स हैं उनकी शेयर कैपिटल, कुछ रिजर्व हैं, प्रॉफिट लॉस बैलेंस, लॉन्ग टर्म लोन लिए गए हैं किसी बैंक से या किसी कंपनी से, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स मीन्स कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के बाहर किए गए हैं, वो भी इसी में काउंट किए जाएंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।